हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम क्लास टेंथ की जो सैम्पल पेपर आपके सीबीएसई ने जारी कर दिए हैं उसका हम हिंदी का सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ कि हम सीधे आपके जो लिटरेचर है उसका पार्ट हम यहाँ पे मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। उसके पहले का जो पार्ट है ग्रामर पोर्शन जिसे हम बोलते हैं वो मैं आपको बाद में सोल्व करा दूँगी, मीन्स पार्ट टू में सोल्व मैं आपको वो करा दूँगी। तो अभी हम क्या करेंगे, खंड ग करेंगे जिसमें पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हैं, सारे जो पैराग्राफ्स हैं वो सभी के सभी आपके बुक से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें ये जो पैराग्राफ दिया है ये हमें रीड करना है और उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हमें आंसर करना है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन कितने का है, 5 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चंस हैं इस पैराग्राफ से जो रिलेटेड है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो आपका पोर्शन है, जो ये खंड ग है यानी कि सेक्शन है ये आपका, ये पूरा पूरा 14 मार्क्स का है, ठीक है। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। तो देखिए, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो हमने रीड कर लिया। अब मैं आपको बता दूँ कि आपके चैप्टर कौन से चैप्टर से, आपका चैप्टर नंबर 10 से आया है, जो कैप्टन वाला चैप्टर है आपको पता होगा उस चैप्टर के। मैं आपको बता दूँ हमने उस चैप्टर के आपके लिए MCQs भी कराए हुए हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ चैप्टर 2 चैप्टर 3 इन सभी के हमने MCQs आप सभी के लिए हम लाए हैं, उनके लिए आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, अब हमारे पास आ चुके हैं अपने MCQs। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है। तो आपने अभी अभी हमने गद्यांश पढ़ा और गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया था आप सभी को पता है, तो जल्दी से जाकर आंसर बताइए। बिकॉज जब हम आंसर बताते हैं कमेंट करके, तो वीडियो को पोस्ट करके बताते हैं, तो उससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कितने दूध में हैं और कितने पानी में, यानी कि हमें कितना आता है और कितना नहीं, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है और ये भी पता चलता है कि हमें क्या चीज़ नहीं आती है। और आपको पता होगा कि मैं सभी आंसर्स जो है वो चेक भी करती हूँ, आपकी कमेंट्स जो है वो पढ़ती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। अब देखिए, ऑप्शन है हमारे पास हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को और लास्ट है लेखक को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख यानी कि बी, कैप्टन चश्मे वाले को। तो जिन्होंने भी ख को टिक किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बता दूं आपको आंसर कैसे देना, आपको 7 का फर्स्ट लिख के फिर आप ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे दोनों तरफ और फिर आप लिख देंगे बी या फिर ख, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़े और मेरे को भी आसानी से समझ में आ जाए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है हमारे पास, पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। अब पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी थी, इसका आंसर बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस है हमारे पास मूर्ति बनाने वाले का अपमान, बी है हालदार साहब पर हंसना, सी है मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी, या डी है मींस घ है एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है चश्मे वाला,
एक बंद दुकान के सहारे अपना बास क्यों टिका रहा था। तो चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बास क्यों टिका रहा था, क्योंकि उसकी खुद की दुकान नहीं थी। इस पैराग्राफ में हमने साफ साफ बात पढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, तो मैं बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए मीन्स क, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे। तो पैराग्राफ पढ़ा है अभी अभी हमने, हम सभी ने देखा है कि हालदार साहब क्या पान वाले से क्या पूछना चाहते थे कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। तो ऑप्शंस है हमारे पास, चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है, बी है वह चश्मे कब से बेच रहा है, सी है इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, और डी है वह कहाँ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। जो कैप्टन है उसके बारे में यही पूछना चाहता था कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। तो कैप्टन के बारे में जो हालदार साहब हैं वो क्यों ज़्यादा जानकारी जो थी वो प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि पान वाले ने बताने से साफ साफ मना कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इन प्रश्न, ये जो प्रश्न दिए गए हैं हमें यहाँ पे, इनके हमें सही विकल्प चुनकर आंसर जो है वो लिखना है। तो ये कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं आपके क्वेश्चंस, और ये 2 ही क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत आखिरी निर्णय क्या था। तो बेटे की मृत्यु के पश्चात यानी कि बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत का जो आखिरी निर्णय था, आखिरी उन्होंने जो फैसला लिया था वो क्या था। देखिए ऑप्शंस हैं, पोतुहू का पुनर्विवाह करवाना, बी है पोतुहू को शिक्षा दिलवाना, सी है पोतुहू को घर से निकालना, और डी है पोतुहू से घृणा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क, पोतुहू का पुनर्विवाह करवाना। अब नेक्स्ट है, लेखक राम वृक्ष बेनपुरी जी बाल गोविंद भक्त की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे। तो किस विशेषता पर मुग्ध थे, ऑप्शन है पहनावे पर, बी है व्यवहार पर, सी है मधुर गान पर, और डी है कार्य कुशलता पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, मधुर गान पर। जो बाल गोविंद भक्त थे वो इतना अच्छा गाते थे, उसी बात पर जो लेखक हैं राम वृक्ष वो उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा मुग्ध थे। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें ये जो काव्यांश है ये रीड करना है, और इसके बाद हमें इसके क्या करने हैं, आंसर्स जो हैं वो चुनने हैं। तो ये 5 मार्क्स का है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसे रीड नहीं कर रही हूँ, सीधे मैं आपके MCQs की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये हमें दोहा दिया गया है, और ये किससे दिया है, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद से। ठीक है, यानी कि आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उससे दिया गया है। तो चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आ गया है हमारे पास पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा। तो परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा था, अगर बात पता है तो जल्दी से जाकर कमेंट में बताइए। देखिए ऑप्शंस हैं हमारे पास 4, पहला है धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, बी है धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, डी है धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, और लास्ट है यह धनुष अपने आप टूट गया। तो जो ए है वो भी नहीं होगा, गलत, ग भी नहीं होगा गलत, और घ भी नहीं होगा गलत। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था किसका धनुष था। तो जो स्वयंवर किसका हो रहा था, सीता का हो रहा था, और शर्त क्या थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उससे ही सीता का विवाह होगा, यानी कि उससे ही सीता की शादी होगी। तो ये जो ये धनुष तोड़ा था किसने तोड़ा था, अगर आपको पता है तो आंसर बताइए। बाय द वे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका धनुष था, तो किसका धनुष था जो राम जी ने तोड़ा था, वो था शिव जी का। तो यहाँ पे ऑप्शन है राजा जनक का, बी है राम का, सी है विष्णु जी का, और लास्ट है परशुराम के आराध्य शिव जी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ, अगर यहाँ पे शिव जी होता इसकी जगह तो आपका राइट आंसर शिव जी का ही आता। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए। तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए थे, ऑप्शंस है परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, बी है उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था, सी है वे क्षत्रिय कुल के विरोधी थे और डी है परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क, परशुराम जी शिव भगत थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। अगला है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, भृंगुकुल केतु किसे कहा गया है। तो भृंगुकुल केतु किसे कहा गया है, इस पूरे पूरे दोहे में, इस पूरे के पूरे जो आपके जितने भी दोहे दिए गए हैं चैप्टर टू के, इसमें कहा गया है परशुराम जी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी। लास्ट है आपका, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है। तो किस शत्रु से की है परशुराम जी ने अपने शिव धनुष तोड़ने की तुलना, देखिए हमारे पास ऑप्शंस है कर्ण, बी है सहस्रबाहु, सी है घटोत्कच और डी है दुर्योधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सहस्रबाहु। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारे इस वीडियो का लास्ट यानी कि आपकी जो लिटरेचर है, जो बुक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लास्ट है एक क्वेश्चन, फिर आपके लिटरेचर वाले सारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम ग्रामर पोर्शन पे आएंगे और मैं आपके अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश भी आपके लिए सॉल्व करा दूंगी। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, यानी कि 2 क्वेश्चन ही है हमारे पास। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई काव्यांश नहीं है, कोई गद्यांश नहीं है, सीधे हमें इनके आंसर देने हैं। तो पहला है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो राजनीति की शिक्षा किसने प्राप्त कर ली है गोपियों के अनुसार। इसके ऑप्शंस है कंस ने, बी है नंद ने, सी है श्री कृष्ण ने और डी है उद्धव ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग, श्री कृष्ण ने। जो राजनीति की शिक्षा है वो किसने पाली है, श्री कृष्ण ने। अब नेक्स्ट है हमारे पास यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है। तो गोपियों ने व्यंग्य यानी कि ताना मारते हुए किसे भाग्यशाली कहा है, ऑप्शन से हमारे पास श्री कृष्ण को, ख है उद्धव को, ग है सूरदास को और घ है स्वयं को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए, आई होप आपने बताया होगा। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, उद्धव को। जिन्होंने भी ख को टिक किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं आपके लिटरेचर का जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज, वो सभी मैंने आपको कराए, गद्यांश के भी, काव्यांश के भी और साथ ही साथ विदाउट गद्यांश और काव्यांश जो आपको ऐसे एमसीक्यूज खाली मिले हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से फटाफट कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स में भेजिए ताकि वो भी देर ना करें और जल्दी से अपने जो प्रेपरेशन है वो करनी स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सके। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।